कुछ अजीब लगा कि यहाँ पे कुछ है जो आ रहा है, बाहर आ रहा है, जैसा अंदर कुछ है। मेरे पति से तुरंत ही कहा मैंने, तो उन्होंने कहा अगर जा ही रहे हो हॉस्पिटल तो एक बार दिखा लेना डॉक्टर को। तो गई तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट मेरे लिख दिए गए कि इन सबको करना है। फिर रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में पता चला कि टीबी हुआ है। बहुत डर गई थी खुद पे कि पता नहीं बचूंगी भी या नहीं। पति भी बहुत मतलब डर गए थे सच में, वो उसे बहुत प्यार करते हैं तो वो सच में बहुत डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे बच्चों को भी मतलब मुझसे दूर किया गया सर, सच में इमोशनल हो गई मैं। पता नहीं था मैं ठीक होंगी भी या नहीं, लेकिन बस खा रही थी दवाई, पूरा करना है कोर्स तो शायद ठीक हो जाऊं, और सच में ठीक हो गई। लेकिन मुझे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टीबी ठीक नहीं होता है, है बीमारी है वो पता है, लेकिन क्या बीमारी है, कैसे है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ जानना था मुझे। एसटीएस ने मुझको बताया कि आप ऐसे ट्रेनिंग के बारे में कुछ सुन रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं आप जाएंगे क्या, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं जाऊँगी। और जब वहाँ गई तो बैनर पे लिखा था कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्कशॉप है ऐसा। वहाँ पे हर कोई टीबी से पीड़ित थे और अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे, तो उनसे मुझे जानने को मिला कि सच में मैंने जितना देखा है उससे बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा सह चुके हैं लोग। तो एक हिम्मत मिली रिच में जब ट्रेनिंग लिया, तो है कैपेसिटी मुझ में भी है कि मैं लोगों को बता सकूं, जो पहले नहीं थी कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या बताऊं, मैं एक आम लड़की हूं मैं क्या बता सकती हूं। लेकिन अब मैं खुद को कुछ अलग महसूस करने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता था। तो लोगों को सेंसिटाइज करती हूं अभी, टीवी के बारे में बताती हूं, जानकारियां देती हूं, और अगर कहीं भी कोई मिल जाता है, सब बीमारी है जो उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो जा नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उनको मैं मदद करती हूं, खुद से कभी ले जाती हूं। उन्होंने वो हिम्मत दी मुझे, वो जानकारी दी, वो चैम्पियन बनाया मुझे, आज टीबी का चैम्पियन बनाया। आज चैम्पियन के तौर पे मैं खड़ी हूँ, लोगों से मिलती हूँ और टीबी के खिलाफ़ भी खड़ी हूँ।